ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। ये है प्रोफेसर देशमुख। बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद इंसान अहंकारी बन जाता है और छोटी छोटी बातें उसे दुखी करती हैं। आज ही अपना रेजिग्नेशन देने जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है इन्हीं से सुनिए और देखिए बापू इन्हें क्या शिक्षा देते हैं। गुड आफ्टरनून सर, आपने बुलाया? ओह यस यस देशमुख। अरे रसोगी जी, तुम्हारे घर के आसपास रहते हैं क्या? यस सर। ये इनको जाते हुए पैकेट पकड़ा दोगे क्या? थैंक यू सो मच। किसी चपरासी को भी तो भेज सकते थे ना, मैं ही मिला। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का कोई बंदोबस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे प्रोफेसर देशमुख। यस सर। प्लीज कम, प्लीज कम। आया सर, आया। जी सर। अरे ये कॉलेज की माली की बेटी है, सातवीं क्लास में पढ़ती है, इसका एग्जाम है, आके थोड़ा पढ़ा देते, इसका मैथ्स का एग्जाम है, पढ़ा दो इसे। सर अगर आप मेरे बच्चे को पढ़ा देंगे तो बहुत मेहरबानी होंगी। मैं इकोनॉमिक्स में PhD और एक सातवीं क्लास की लड़की को मैं पढ़ाऊं? अरे इतना ही प्यार है तो खुद क्यों नहीं पढ़ा लेते? इस संडे एक कैरियर काउंसलिंग सेशन है तो इसकी जिम्मेदारी आप ले लो, 2-3 घंटे की बात है बस। सर इसकी पेमेंट वगैरह? पेमेंट? देखिए भाई ये एक सोशल वर्क है। सर लेकिन मैं स्पेशलिस्ट संडे के दिन इसके लिए आऊंगा तो। देखिए भाई ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ पे हम सबको फ्री में ही काम करना होता है। ये सब करने के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या इनको? क्या करूं? हे बापू मुझे रास्ता दिखाएं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। वैसे ही कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, हम सब कर्मयोगी हैं, यानी हम हर काम को भगवान का आदेश समझकर करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, और जो सैलरी हमें मिलती है वो उस पूजा का प्रसाद है। नतमस्तक होकर हम उस प्रसाद को स्वीकार कर लेते हैं। जो इंसान हर काम में फायदा नुकसान, तेरा मेरा, कम या ज़्यादा इस तरह से हिसाब किताब करता है उसे कर्मकांडी कहते हैं। ऐसे कर्मकांडी को भगवान का साथ कभी नहीं मिलता, और हर कर्मयोगी को भगवान का साथ मिलता है, जिससे हर कार्य में सफलता भी मिलती है। इसीलिए मेरे दोस्त हमेशा कर्मयोगी बनो और हमेशा डिवाइन सपोर्ट को एंजॉय करो। कर्मयोगी बनो, कर्मकांडी नहीं। हर कार्य को भगवान का आदेश समझकर ईमानदारी से करो। हर कमाई को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो।